नोएडा से जहां सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी सरकार। 30 दिन में खाली करने का यहां पर आदेश दिया गया है। बरौला, शाहद्वारी और बिलासपुर में संपत्ति जब्त होगी। कब्जा धारकों में भी इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। कब्जा धारकों को नोटिस जारी किया गया है और त्वरित जगह खाली करने को लेकर आदेश भी दिए गए हैं। शत्रु संपत्ति को भारत सरकार को देने का निर्देश भी यहां पर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह तैयारी शुरू कर दी है। तो देखिए किस तरीके से खबर है, कब्जा धारकों में इसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश सीधे तौर पर यहां पर दिया गया है। 180 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी सरकार और सीधे तौर पर इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। शत्रु संपत्ति को भारत सरकार को देने के निर्देश यहां पर सीधे तौर पर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। तो 180 करोड़ की संपत्ति को लेकर के ये पूरा मामला है, जहां जब्तकरण की कार्रवाई अब सरकार करेगी। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, तो देखिए जिस तरीके से पूरी खबर है, 180 करोड़ की संपत्ति की जब्तकरण की कार्रवाई करेगी सरकार, इसको लेकर जानकारी मिली है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए शत्रु संपत्ति नोएडा के बरौला गांव में, सावेरी गांव में और बिलासपुर में शत्रु संपत्ति मौजूद है। इस शत्रु संपत्ति को खाली कराने के लिए पिछले दिनों भी कार्रवाई की गई थी। जिला प्रशासन ने कुछ जमीन को खाली भी कराया गया था। जिस जमीन को खाली कराया उस जमीन पर मैं मौजूद हूं, तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये बरौला गांव में जमीन है। और बरौला गांव की अगर जमीन की बात की जाए तो 42 करोड़ रूपये की जमीन यहां आंकी गई है। उसकी कीमत, जिस पर अवैध कब्जे कर लिए गए, इमारतें बना दी गई, कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसमें फ्लैट बनाकर लोगों को बेच दिए गए। और इसी तरीके से सावेरी बात की जाए तो सावेरी में भी 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन है जिस पर अवैध कब्जे हो गए। और समय रहते हुए यहां पर जो अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन अधिकारियों द्वारा निगरानी नहीं रखी गई, जिसके चलते ये पूरे जो कब्जे हैं, तमाम कब्जे यहां पर हुए। और अब जिला प्रशासन को गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया है। उस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर इस जमीन पर जो कब्जा लिया जाए। फिलहाल अब कार्रवाई देखनी होगी। दादरी तहसील में सबसे ज्यादा जो जमीन है दादरी तहसील में आती है, तो उस जमीन को अब कब तक खाली कराया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर अमित, और ऐसे में 180 करोड़ की जब संपत्ति का जिक्र होता है तो ऐसे में कौन कौन से इलाके इसमें शामिल है, कहां कहां पर ये संपत्ति है? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद हमारा संपर्क अमित से नहीं बन पा रहा, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी सरकार, 30 दिन में खाली करने का आदेश यहां पर दिया गया है। बरौला, शाहबेरी और बिलासपुर में संपत्ति जब्त की जाएगी। कब्जा धारकों में इसको लेकर हड़कंप भी मचा हुआ नजर आया। कब्जा धारकों को नोटिस जारी किया गया है। शत्रु संपत्ति को भारत सरकार को देने के यहां पर निर्देश दिए गए, इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। और नोटिस के हिसाब से 30 दिन के भीतर ही आदेश दिया गया है इस जमीन को खाली करने को लेकर के, और यदि ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जब्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, शत्रु संपत्ति सरकार को देने का यहां पर निर्देश भी दिया गया है। भारत सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जो संपत्ति है ये त्वरित तौर पर भारत सरकार को सौंप दिए जाए। जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारी शुरू की है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए शत्रु संपत्ति को भारत सरकार को सौंपने को लेकर निर्देश है, नोटिस भी जारी किया गया है और 30 दिन का समय यहां पर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बताइए कि आखिर ये जो संपत्ति है, ये जो जमीन है, कहां कहां पर है? जमीन की अगर बात की जाए तो नोएडा के 3 जगहों पर चिन्हित की गई है, और ये बरौला, बिलासपुर और इसके अलावा सावेरी गांव में जमीन है। तो पूरी जमीन की अगर कीमत की बात की जाए तो 180 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी गई है, जिसमें बरौला में 42 करोड़ के आसपास की जमीन है। और सावेरी की बात की जाए तो 27 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जमीन बताई गई है। इसी तरीके से बिलासपुर में भी 10 करोड़ से ज्यादा की शत्रु संपत्ति, और पिछले काफी दिनों से इस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, इमारतें यहां पर बनाई गई, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या जिला
प्रशासन की बात करें तो समय रहते इन अवैध कब्जों को नहीं रोका गया, लिहाजा भूमाफियाओं ने बड़े स्तर पर यहां पर जमीनों पर कब्जे किए, इमारतें बनाई, लोगों को दुकानें और फ्लैट तक बेच दिए। फिलहाल गृह मंत्रालय पूरे मामले में सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों अगर जुलाई 2022 की बात की जाए तो सीबीआई ने भी एक केस इसमें दर्ज किया था, उस मामले की भी जांच चल रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों भी जिला प्रशासन को पत्र लिखे गए थे, तो एक जमीन का टुकड़ा जरूर कब्जा लिया गया था, सीआरपीएफ वहां पर तैनात की गई है उस जमीन की देखरेख के लिए, लेकिन अन्य जगहों पर जहां इमारतें बनी हुई हैं उनको भी 30 दिनों में खाली कराने का साफ तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आने के बाद जो भी भूमाफिया हैं जिन्होंने इस जमीन को बेचा उन भूमाफियाओं के द्वारा लगातार अब उनमें हड़कंप की स्थिति निश्चित तौर पर। अमित, और ऐसे में कई कब्जाधारियों